चला जी, the name of the chapter is work, power and energy. अबे एक पढ़ा रहे थे ना? यहां तक हुआ था चला बल और समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है आवेग ठीक है बोलो रे बल और संवेद का गुणनफल बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है चला आवेग कहलाता है एनी डाउट हम बोले थे आवेग बराबर होता है बल गुना समय अब चला जब ये बल गुना समय होता है तो ये हो जाएगा न्यूटन और सेकेंड न्यूटन सेकेंड के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड रे? केजी मीटर पर सेकेंड गद्दा हो बैट बॉल हो बैडमिंटन हो जिसमें समय बढ़ाइएगा लगने वाला बल क्या हो जाएगा घट जाए कभी कभी आप डिफेंस किए हैं क्रिकेट में नहीं गए हैं डिफेंस जब करते हैं चला तो बैट पर बॉल को आने देते हैं या बैट को बॉल के साथ कुछ दूर तक ले जाते हैं देखना डिफेंस करने वाले लोग कहते हैं कर कभी कहते ऐसे बैट नहीं लेता है ऐसे बॉल के साथ बैट को कुछ दूर तक ले जाता है ताकि समय बढ़े तो समय बढ़ेगा तो बल घट जाएगा अब बल घट जाएगा तो एक्शन कम होगा एक्शन कम होगा तो रिएक्शन कम होगा बल वही रह जाएगा क्योंकि रिएक्शन अगर कम होगा तो कमे दूर न जाएगा तो बॉल वहीं रह जाएगा बोलो हैं चला आवेग कौन राशि है आप कहते हैं अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है जिससे कि समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है समय का मान बढ़ेगा लगने वाला बल घटेगा बोले जिससे आप एक्शन कम होगा तो रिएक्शन भी क्या होगा कम हो एक मिनट होल्ड डाउन कोई भाई क्वेश्चन पूछ रहा है बोलो हम्म ठीक है ठीक है कोई ऊर्जा नहीं है किताब के रेफरेंस में कोई ऊर्जा नहीं है जमीन के रेफरेंस में उसमें स्थिति ऊर्जा है किताब का रेफरेंस ना कोई ऊर्जा नहीं है कोई ऊर्जा नहीं है ना हाइट है ना गति है तो कहां की ऊर्जा चला जैसे हम जमीन पर खड़े हैं तो मेरे में कोई ऊर्जा नहीं है तो तुम कहोगे मेरे हाइट के कारण तो मेरे हाइट के कारण निगलिजिबल ऊर्जा हो नहीं के बराबर अब वही तुम हमको जमीन से थोड़ा सा भी लटका दो तब जो मेरे में ऊर्जा होगी वो स्थिति ऊर्जा हो जैसे ये अगर चला वस्तु है ना तो हाइट ये वाली होती है हाइट ये वाली नहीं होती है ठीक है हाँ हाँ जी हाँ आधी स्थिति आधी गतिज दोनों होगा पचास पचास ये तो बताए थे हम कल बोलिए नहीं बदले चर जो बदल जाए बोले जल्दी पूछ के खत्म करो ओके पानी में तैरेगा ना तो गति ऊर्जा होगा स्थिति ऊर्जा को मान लेंगे इचला है क्या नहीं समझा क्वेश्चन बनाता नहीं है नहीं इसलिए अटपट सवाल पूछता है कोई किताब पर कलम रख देता है कोई पानी में तैरने लगता है क्वेश्चन बनाओगे तो सब सवाल ही नहीं आएगा दिमाग में जैसे चला तुम समझ नहीं रहा है अगर चीजों पे तुम बोलोगे तुम कहोगे सर कैमरा रखा लग होगा सर कुर्सी रख लग की होगा आ सर भैंस जा रहा है क्या होगा आए सर मान लीजिए बताइए क्या होगा इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा जो निग्लिजिबल है उसको कहीं कहीं निग्लेक्ट मानेंगे और जो अगर दोनों है दोनों में से जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है तो हाइट को निग्लिजेबल मान सकता है क्या वे को मान सकता है क्या लेकिन आदमी अगर तैर रहा है तो पानी पर ना तैर रहा है तो वहां हाइट को निग्लिजिबल मान लेते हैं सिर्फ गति जो मारेंगे ठीक है बोलो ठीक है, ओके okay. स्प्रिंग के लिए अलग से फॉर्मूला है स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा ठीक है वो स्पेशल कंडीशन है वो स्पेशल कंडीशन है स्प्रिंग में अगर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो वहां फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर ओके अभी बताएंगे कार्य एक अदिश राशि है वेग एक सदिश राशि है आवेग सदिश राशि है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं आप यस yes, वही है जी जी वही झोल है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाएगा पोखर में पानी है उसमें कोई ऊर्जा नहीं है एक मिनट सुन लेते हैं ना भाई डाउट का पैसा लिए हम मेरा काम है डाउट क्लियर करना बोलो पानी को डैम बनाते हैं हाँ तो चला उसमें हाइट ना होता है बहुत ज्यादा जैसे आप बांध बनाइएगा ना पानी जमा हो जाएगा आज ये हाँ पानी है और धीरे 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 बढ़ने लगे अब पोखर का पानी आई जब बहेगा चला तो इसमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी पोखर के पानी को भी तुम बहा दो तो उसमें जो थोड़ा सा हाइट होगा उसी के कारण उस पानी में कार्य करने की क्षमता आ जाएगी तो कहेंगे स्थिति जुड़ जाए जैसे चला पोखर का पानी का जो लेवल रहता है वो जमीन के पानी का लेवल के बराबर होता है जमीन का लेवल गिर जाएगा तो उसके पानी का लेवल भी गिर जाएगा बुझा रहा है तुमको कभी पोखर के पानी को बहा के तुम ले जाने की कोशिश करना उससे नीचे ढलान करना होगा तभी लेके जाएगा सेम लेवल पे जाएगा नहीं जाएगा ना क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है और जब उसका हाइट तुम क्रिएट कर दोगे तो उसमें स्थिति ऊर्जा आ जाएगी पानी का भाव होगा तो उसमें गति ऊर्जा है उसके हाइट के कारण हाई लेवल टू लो लेवल में जाता है लेवल का डिफरेंस निग्लिजेबल होता है उसको नहीं माने लेकिन सब क्वेश्चन कहां पूछेगा ये तुम्हारे मन में पूछे गए प्रश्न है होता क्या है जब आप प्रश्न नहीं बनाओगे तब आप ये सारे सवाल करोगे प्रश्न बनाओगे तो आपको लगेगा जो यहां सवाल है वही पूछा है इसलिए चला कि हम बार बार बोले कि नींबू का पीएच हम पढ़ाएंगे तो दो दशमलव दो सौ दो दशमलव चार तुम कहेगा बैगन के की होता है कद्दू के की होता है करेला कहे नहीं पढ़ाइएगा पैसा लिए नहीं पूछता है और हमको भी याद नहीं है तुमको भी याद नहीं करना है नहीं तो मामला गड़बड़ ना हो जाएगा अब चला हम तरफ पढ़ाएंगे कि देखो न्यूटन का शीतलन नियम है ये 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 तुम कहेगा आए सर गरम का, न्यूटन का गरम नियम कहे नहीं है तो ऐसे चलेगा काम नहीं चलेगा ना मामला गड़बड़ हो जाएगा चला और एक लाइन तुम समझ लो क्यों जो है ना वो हर बात पे किया जा सकता है ऐसा कोई बात नहीं है क्यों वही बात है कि हम पढ़े मोदी जी तुमको कहेंगे पढ़ाई कीजिए शिक्षा से आपका सम्मान बढ़ेगा क्यों मामला फंस जाएगा फिर चला तब जिंदगी में जवाब तुम खोजते रहे इसलिए लीगल सवाल जो हैं उसी को पढ़ने से फायदा है नहीं तो चला इीगल तो बहुत सारे सवाल हैं आप इसी गति जो स्थिति ऊर्जा पे बोलिए ना डेढ़ सौ सवाल है कि केकरा में गति ऊर्जा होगा केकरा में स्थिति ऊर्जा होगा आपके दैनिक जीवन में डेढ़ सौ अढ़ाई सौ एग्जाम्पल लेकिन वो हमको पूछा तो नहीं ना जाएगा नहीं पूछा जाएगा तो आपको जो पूछा जाएगा उसको आप एनालाइज कीजिए एनालाइज करके कॉन्सेप्टी समझ लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा तो कहते हैं चला जी शक्ति क्या है शक्ति होता है चला कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं शक्ति बराबर कार्य बट समय कार्य करने की दर को क्या कहते हैं चला शक्ति का ठीक है तो ई चला शक्ति बराबर कार्य बट समय है तो जूल बट सेकेंड जूल बटे सेकंड हो जाएगा जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं वाट जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं वाट तो यहां से चला अगर हम जूल को लिखते हैं तो जूल का हो जाता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्टर सेकेंड बोलो हाँ या ना और यहां से हो जाएगा के जी मीटर माइनस टू है ऊपर जाएगा माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा ये हो जाएगा चला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होगा शक्ति का ऐसा ही मात्र क्या होता है वाट वाट किसको कहते हैं चला जैसे बारह केले बराबर एक दर्जन वैसे ही जूल बटअ सेकंड बराबर वाट होता बोलो तो यहां से चला हम इसको करेंगे तो एमएल टिपर बाब मेन स्त्री इस शक्ति का हा क्या 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 ई कैसे निकाल ले यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास किए हैं कैसे तो निकालिएगा ये चला हम बताए आपको के जी का एम एम का एल एस का टी कितने लोगों को ये बताए हैं हाथ खड़ा कर लो मामला आप गड़बड़ा दिए हैं लेकिन कोई बात नहीं आप यह भी समझिए हम फिर पढ़ा देंगे फिर किसी बैच में चलेगा आके पढ़ लीजिए जिनका छूटा हुआ होगा यूनिट एंड डायमेंशन फिर किसी बैच में चलेगा पढ़ लीजिए अब शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है चला वाट शक्ति का ऐसा ही मात्रक शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक है वो होता है चला एचपी हॉर्स पावर क्या होता है चला हॉर्स पावर शक्ति का बड़े यंत्रों की शक्ति का बड़े यंत्रों की शक्ति का जो मात्रक होता है वो भी एचपी होता है ठीक ना अब बहुत बड़ा यंत्र हो जाएगा किलो वाट बहुत बड़ा यंत्र हो जाएगा तो किलोवाट बहुत बड़ा यंत्र हो जाएगा जैसे आप मोटर लाते हैं तो कहते हैं ना है, है, दो एचपी का सुने हैं तो वैसे ही लेकिन चला बहुत बड़ा यंत्र हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे किलोवाट जैसे बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लाते हैं तो ट्रांसफार्मर को एचपी में नहीं कहते हैं ट्रांसफॉर्मर किसमें कहते हैं किलो वाट किसमें कहते हैं तो कहते हैं गौर फरमाइएगा शक्ति का व्यवहारिक मात्र कहेगा तो एचपी एक एचपी बराबर होता है सात सौ छियालीस वाट सबको पता होगा कि एक एच पी बराबर होता है सात सौ छियालीस वाट बोलो हाँ या ना अब चला देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय कार्य करने की दर को क्या कहते हैं चला शक्ति शक्ति बराबर कार्य बटा समय कार्य बोले तो चला अब बताओ शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय यानी पावर इज इक्वल टू डब्लू बाई टी और डब्ल्यू बोले तो एफ एस थीटा बटा टी बोलो हाँ ना अब विस्थापन बटे समय वेग होता है तो चला पी इज इक्वल टू हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं एफ एस बाई टी बोले चला तो चला P बराबर है एफ भी cos थीटा को ये डॉट बी लिखते हैं इसलिए एफ भी को स्थित को हम लोग लिख देते हैं एफ डॉट भी इसके बदले ई लिख सकते हैं बोलन भी क्या है वेग ना भी क्या है तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय कार्य का हो गया डब्ल्यू समय का हो गया टी आ, पी बराबर एफ एस को T हो गया पी बराबर एफ एस t टी कॉस्थीटा तो एस वाई टी को क्या लिख सकते हैं भी तो पी बराबर हो जाएगा एफ डॉट भी यहां से हो जाएगा ए डॉट बराबर हो जाएगा क्या ए बी कॉस्थीटा तो इसीलिए चूंकि एफ भी कॉस्थीटा को हम एफ डॉट भी लिखते हैं बोले नोटेशन है वो कर सकते हैं जल्दी बोलो नोटेशन है दोनों जगह पी का प्रयोग करते हैं आई जो है आवेग के लिए भी प्रयोग करते हैं आई धारा के लिए भी करते हैं ठीक है शक्ति का ऐसा ही मात्र जो होता है चला जूल बटर सेकंड जूल पर सेकंड इसी को हम लिखते हैं जूल को के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड हो जाएगा के जी मीटर स्क्वास थ्री हो जाएगा वाट इसका बीमा निकालिएगा तो के जी का क्या हो जाएगा एम एम का क्या हो जाएगा एल एस का क्या हो जाएगा टी एम एल स्क् टी पर पावर माइनस थ्री शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा आ एक एचपी बराबर कितना वाट शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी एचपी ए होता है जनरेटर मोटर की शक्ति को भी एचपी में व्यक्त करते हैं लेकिन अधिक दक्षता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं किलो जनरेटर या मोटर की शक्ति को भी एचपी में एक एचपी का जनरेटर एक एचपी का मोटर लेकिन बहुत बड़ा यंत्र अगर होगा तो उसकी शक्ति को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं किलो वाटर किसमें व्यक्त करते हैं किलोवाट में अब देखिए शक्ति का अगर सिलाब सवाल बनाते हैं शक्ति का सवाल बनाते हैं तो हम वो क्या बोले हैं शक्ति बराबर कार्य बटा कार्य बटा समय कार्य बटा समय बोले तो w t और w बोले तो fs cos थीटा t बोलन रे यहां से हम लिख सकते हैं इसको एम जी एच बाई टी यहां हम लिख सकते हैं एम जी एच कार्य के डब्ल्यू के बदले एफ एस बदल, बराबर MGH, इसी के बदले, MBS को लिख सकते हैं आ, टी. बोलो लेकिन चला जितना भी पावर का क्वेश्चन प्र, प्र, है वो आपका बनेगा एम जी एच बाई टी पर मेनली इसी पर बनता है तो कहते हैं शक्ति का सवाल बनाते समय शक्ति बराबर डैश का प्रयोग करना चाहिए शक्ति बराबर यहां देखो लिखल होगा एम जी एच वाई टी लिखल है कहता कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ऊर्जा और कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति अब चला गौर फरमाइएगा हम आते हैं टक्कर पर टक्कर बोले तो कॉलिजन टक्कर बोले तो क्या कॉलिजन चला बड़ा कलिष्ट है जल्दी बच्चा को समझे में नहीं आता है लेकिन हम तुमको जुगाड़ इसमें लगा दिए हैं एको टेबल बना दिए हैं जिससे बहुत आसानी से आप इसको समझ पाइएगा बहुत ही आसानी से ध्यान दीजिएगा तीन तरह का टक्कर होता है कितने तरह का एक होता है पहला होगा देखिएगा प्रत्यास्थ टक्कर टक्कर कितने प्रकार का आप प्रत्यास्थ टक्कर कहिए या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहिए एक के बात प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर एक ही बात है उसके बाद अप्रत्यास्थ टक्कर आप पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर पूर्णतः प्रत्याश टक्कर ध्यान दीजिएगा प्रत्याश या पूर्णता प्रत्याश अप्रत्याश या पूर्णता प्रत्याश टक्कर कितने टाइप के टक्कर हुए अप्रत्याश टक्कर और पूर्णता प्रत्याश टक्कर अलग अलग है लेकिन प्रत्याश टक्कर आप पूर्णता प्रत्याश टक्कर सेम है अब चला गौर फरमाइएगा ये क्या कहता है ये कहता है जितनी ऊंचाई से गिराइएगा उतनी ही ऊंचाई उछलेगा ये कहता है जितनी ऊंचाई से किसी वस्तु को आप गिराइएगा ये उतनी ही ऊंचाई उछलेगा अप्रत्याश टक्कर कहता है कि जितनी ऊंचाई से आप गिराइएगा उससे कम ऊंचाई उछलेगा ठीक पूर्णतः प्रत्याश टक्कर कहता है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराएगी तो टक्कर के फलस्वरूप दोनों साथ साथ चल देंगे देख लो एकदम सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही चला तुमको मेरे पास पढ़ के एडवांटेज जो मिलेगा वो यही मिलेगा क्योंकि बाकी जो जितने भी लोग तुमको पढ़ाएंगे या बुक्स में लिखा हुआ है इतना इजर गिजिर है कि एग्जाम हॉल में तुम पढ़ तो ले यहां लोगे। बहुत बढ़िया मास्टर समझा भी देगा एग्जाम हॉल में सवाले नहीं बनेगा टक्कर और पूर्णता टक्कर जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतने ऊंचाई उछलेगा तो उसको हम या पूर्णता कहते हैं <laughs> अब जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम ऊंचाई उछलेगा अप्रत्याश टक्कर आज अगर दो वस्तुएं आपस में चलने लगेगी और दोनों जब टकराने के बाद साथ में चल देगी तो उसको हम कहते हैं पूर्णता अप्रत्याश टक्कर बोले अब चला होता क्या है एक होता प्रत्यास्थता गुणांक आगे आप पढ़िएगा ये होता है भी टू माइनस भी वन बट यू वन माइनस यू टू देखो दिया हुआ होगा प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होगा भी टू माइनस भी वन बट यू वन माइनस यू टू ये क्या है u और भी पता है ना u होता है प्रारंभिक वेग अभी होता है अंतिम वेग u कौन वेग अभी अंतिम वेग अब देखिए चला इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे ये आप समझिए कि जितना भी टक्कर है इस पृथ्वी पर जितना भी टक्कर है सब में संवेद संरक्षित रहता है कौन संरक्षित रहता है चला तो देखो हर जगह संवेद जो है वो संरक्षित रहेगा संवेद संरक्षित यहां भी संवेग संरक्षित क्योंकि कोई भी टक्कर होगा उसमें संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा कोई भी टक्कर होगा तो उसमें संवेग जो होगा वो संरक्षित रहेगा कोई भी टक्कर में अब रही बात गति जुड़ की काइनेटिक एनर्जी के अब संरक्षित रहना मतलब बदलना कि नहीं बदलना जैसे चला पैसा आपके जेब में एक सौ टका है इक्कीस टका रह गया तो पैसा संरक्षित है इसका मतलब बदलेगा कि नहीं बदलेगा <laughs> बहुत बढ़िया बात अब एक बात बताइए जितनी ऊंचाई से गिराया गया उतनी ही ऊंचाई कभी एक बॉल को आप गिराते हैं इतनी ऊंचाई से क्या वो उतनी ऊंचाई उछलेगा कभी नहीं उछलेगा क्या वो उतनी ऊंचाई उछलेगा यहां से हम बॉल को इतने हाइट से गिरा देते हैं तो यहां से गिराएंगे नीचे नीचे से क्या उतनी ही ऊंचाई उछल जाएगा एकदम नहीं उछलेगा तो ये तो कभी संभव ही नहीं है ये टक्कर हाँ तब फोर्स लगा गिराएगा फोर्स लगा गिराइएगा तब तो यहां से गिराएंगे वहां चल जाएगा फ्री फॉलिंग गिराना हो बढ़िया सवाल है फ्री फॉलिंग गिराना हो फ्री फॉलिंग मतलब इसे छोड़ देना तो बताइए तो जितना ऊंचाई से गिराएंगे क्या उतना ऊंचाई उछल पाएगा नहीं उछल पाएगा तो ये कभी हो सकता है क्या आज जितना ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा आज चला अगर दो बॉल एक साथ चल देगा तो दोनों सट के चल देगा पूर्णतः अप्रत ये हो सकता है कि हम ऐसे दौड़ रहे हैं तेज गति से आगे वाला कम गति से जा रहा था हम अगर सटे में सट के हम लोग कुछ दूर तक चल गए ये हो सकता कि नहीं अब चलो बताइए जितनी ऊंचाई से गिराए उतने ऊंचाई तब ना उछलेगा जिस वेग से जाएगा उसी वेग से आएगा इसका मतलब वेग नहीं बदलेगा इसका मतलब इसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं बदलेगा लेकिन यहां तो चला जितनी ऊंचाई से गिराए उससे कम ऊंचाई तब न उछलेगा जब जितनी ऊंचाई से गिराए वेग होगा उछलने का वेग कम होगा यहां गति संरक्षित होगा संरक्षित नहीं बोले हाँ या ना आ यहां पर दोनों सट के जब जाएगा चला वेग वही रहेगा कि घट जाएगा घट जाएगा इसका मतलब यहां भी वेग संरक्षित नहीं समझ में आ रहा है रे जान हमारे किसी भी टक्कर में संवेक संरक्षित रहेगा किसी भी टक्कर में क्या संरक्षित है किसी भी टक्कर में संवेक संरक्षित रहता है इफिक्स है चला टक्कर से पहले का संवेक संवेक संरक्षण का सिद्धांत है टक्कर से पहले का संवेक टक्कर के बाद के संवेक के बराबर होता है प्रैक्टिकली किया गया है कि टक्कर से पहले जो एम इन भी था टक्कर के बाद भी एम इन भी वही होगा एग्जाम्पल अगर आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक से गोली चलाते हैं तो आप देखिएगा बंदूक की गोली का वेग होता है डेढ़ सौ किलोमीटर पर आवर क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है तो उसका वेग ज्यादा होता है ये चला प्रैक्टिकली किया गया तो ये देखा गया कि अगर ये बंदूक है आपकी और ये गोली है तो इसका अगर चला द्रव्यमान पांच के जी है और इसका वेग जो है दो मीटर पर सेकंड है इसका द्रव्यमान होगा दो के जी और इसका वेग हो जाएगा पांच मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों इससे आपने क्या सीखा जो भारी होगा उसका वेग कम होगा और जो हल्का होगा उसका वेग ज्यादा है। लेकिन दोनों मिला के दो गुना पांच बराबर दो गुना पांच इसीलिए गोली तेजी से जाती है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है बंदूक धीरे से पीछे आता है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है और उससे भी धीरे कब आएगा जब आप उसको चला आप देखिएगा बंदूक को जब कोई गोली चलाता है तो वो इसे पकड़ता है तो वो द्रव्यमान द्रव्यमान उसके शरीर के उसका ऐड हो जाता है तो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वेग उतना कम होगा यानी पीछे धक्का उतना कम मारे बोले तुम हाथ में ना पकड़ के गोली को एक सतह पर रख दो बंदूक का ट्रिगर दबा दो बंदूक इतना तेजी से पीछे जाएगा एक मुंह खन तोड़ देगा कभी आप देखे होंगे मिसाइल वगैरह जो चलाता है वो अपने कंधे पर रख लेता है ताकि उसका द्रमान जो है ओवरऑल बंदूक का द्रमान मनुष्य का द्रमान दोनों ऐड हो जाए ताकि पीछे धक्का कम लोले यही संवेक संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जिसका द्रमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा जिसका द्रमान कम होगा उसका वेग ज्यादा जैसे अगर एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी टकराता है तो बूढ़ा आदमी का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका पीछे हटने का वेग कम होगा अब छोटका के द्रव्यमान कम है तो वेग ज्यादा हो जाए जैसे फुटबॉल और तुम्हारा लात तो लात का वेग ज्यादा है तो धीरे से पीछे आता है अब फुटबॉल का वेग कम द्रव्यमान कम है तेजी से आगे जाता है जकर द्रव्यमान कम वेग ज्यादा है जकर द्रव्यमान ज्यादा वेग कम तो इसीलिए कहते हैं हर टक्कर में क्या संरक्षित रहता है संवेद अब जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ही ऊंचाई उछल गया तो कहेंगे भैया गति ऊर्जा भी संरक्षित और उससे कम ऊंचाई उछला गति ऊर्जा संरक्षित नहीं अगर साथ साथ चलने लगा तब भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं अब देखो जी जब कहे धर्म अलग अलग होगा नहीं होगा कभी सिनेमा हॉल सब में नहीं देखता है हीरो जो है बच्चा को लेकर कूदता है साथ ही साथ गिर जाता है हम चला ऐसा नहीं हो सकता कि आगे जो एगो बच्चा जा रहा है हम जा रहे हैं अब दोनों टकरा है टकरा के कुछ दूर तक आगे साथ साथ चल जाए ऐसा नहीं हो सकता है एकदम हो सकता है अब चला गौर फरमाइएगा हमने आपको कहा कि प्रत्याश टक्कर में कौन टक्कर में प्रत्याश टक्कर में ये अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग है तो बताओ तो जितना प्रारंभिक उतने ना अंतिम तो इसका मतलब इसमें ई दोनों बराबर हो जाएगा तो इस चक्कर में ई का मान तो एक के बराबर हो जाएगा आई और प्रत्याश तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा टकराने के बाद वेग घटेगा कि बढ़ेगा तब ना कम उछलेगा तो ये ई लेस देन वन हो जाएगा बोले और टकराने के बाद इसमें दोनों साथ साथ चल देगा यानी दोनों का वेग समान होगा मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा समान और समान हो जाएगा तो ई ई जो होगा चला एक मिनट टक्कर के बाद दोनों साथ चल देगा तो चला इसका मतलब लेकिन अंतिम रूप से जब टकरा के चलने लगेगा तो दोनों का अलग दो अलग जब, तो तो जब समान हो जाएगा चला तो दो माइनस दो हो जाएगा दो हो जाएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा यहां, यहां का मान इस केस में हो जाएगा चला जीरो गुणांक क्या है? किसी भी के लिए होता है प्रतिबल समानुपाती होता है, ये है। और कहता है, प्रतिबल समानुपाती होगा विकृति के जब समानुपाती हटाते हैं तो वही जो कांस्टेंट आता है उसी को प्रत्याश् गुणांक कहते है तो आप कहेगा ये कहां पढ़ना है आपको पढ़ाएंगे प्रत्यास्थता वहां पढ़ना ठीक है तो कहते हैं चला इसीलिए कहते हैं कि ये प्रत्यास्था गुणांक जो है वो ई है मान लो तुम ई है होता है कुछ आगे जाके हम लोग समझेंगे याद नहीं रहेगा सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए अप्रत्याश टक्कर में प्रत्याशा गुणांक का मान एक से कम एक से अधिक जीरो नॉन ऑफ तो चला इसको ऐसे ध्यान में रखना हम बताते हैं प्रत्याश मतलब पूर्ण है है मतलब आई लिख लो है पूर्णता तो प्रत्याश इसमें चला पूर्ण होगा एक। और नहीं हो। तो और मतलब एक नहीं होगा एक नहीं होगा मतलब एक से कम होगा आप पूर्णतः तो प्रत्यास्थ हो जाएगा इसका मतलब एक से कम होते होते पूर्णतः जीरो हो जाए जैसे प्रत्याश होगा तो ई का मान कितना हो जाएगा वन

इसमें तो चुकी पूर्णता प्रत्याश में जितनी ऊंचाई से गिराई उतनी ऊंचाई उछलेगा इसका मतलब इसमें गति ऊर्जा भी संरक्षित अब बाद वकी किसी भी टक्कर में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहे अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा कहेगा बताइए एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया और वो दस मीटर की ऊंचाई से गिरा और दो मीटर उछला तो बताइए कि वो कौन सा टक्कर है और प्रत्याश टक्कर है कहेगा ए बी से टकराया और ए बी दोनों साथ साथ चल दिया कौन टक्कर है क्लियर है आप नहीं तो पूछेगा बताइए प्रत्याश टक्कर में निम्न में से क्या सही है कहेगा कहेगावेक संरक्षित गतिवर्जा संरक्षित संवेक और संरक्षित संवेक संरक्षित गतिवर्जा भी संरक्षित इस टाइप का ऑप्शन दे देगा तो मार देंगे भी संरक्षित ऊर्जा भी संरक्षित कह देगा बताइए प्रत्याश टक्कर में ई का मान कितना प्रत्याशा गुणांक का मान कितना होता है एक होता है आप कुछ सवाल पूछ लो नहीं ये संभव नहीं है दैनिक जीवन में संभव है क्या जितनी ऊंचाई से गिराए उतनी ऊंचाई उछल गया कुछ ना कुछ तो लॉस होगा बोलो जल्दी जल्दी बोलो हो जान खोख लो पूछ लो बाद में कहना पैसा दिए मास्टर डाउट नहीं बताता है हम सबका डाउट बताते हैं बढ़े टक्कर मुख्यतः कितने प्रकार के देखो प्रत्याश टक्कर इसी को कहते हैं पूर्णतः प्रत्याश टक्कर पूर्णतः प्रत्याश टक्कर जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटता है और प्रत्याश टक्कर जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता उससे कम वेग से लौटता है अप्रत्याश आ, कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा कर उस वस्तु पर चिपक जाएगा और उसको अपने साथ जोड़कर एक बनकर एक ही वेग से चलने लगे देखो सब यहां भी संवेग संरक्षित है यहां भी संवेग संरक्षित है यहां भी संवेग संरक्षित है यहां अगर आइएगा तो यहां गति ऊर्जा संरक्षित रहेगा यहां गति ऊर्जा संरक्षित नहीं यहां गति संरक्षित नहीं यहां देखिएगा प्रत्याशा गुणांक का मान यह एक से तो हम आई यहां बस यही तो पढ़ना है, इसमें चला लगभग चौदह पंद्रह ऑब्जेक्टिव है हाँ एक एक करके बोलो एक व्यक्ति पांच मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है रुका हुआ है हाँ हम्म आएगा नहीं हाँ, लगेगा इसमें क्या समस्या है जहां जो लगेगा वो लगेगा हाँ एकदम लगेगा नेक्स्ट इसका है ये नहीं है तो कहां से बताएंगे ई चला नेचर में संभव ही नहीं है तो कहां से बताएंगे हम इज नॉट पॉसिबल कि जितना ऊंचाई से आप फ्री फॉलिंग छोड़ दिए बिना बल लगाए उतनी ही ऊंचाई उछल जाएगा ऐसा संभव ही नहीं है ठीक है इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं कि बॉल को ऊपर से नीचे गिराए अब वो उससे कम ऊंचाई उछला ये टक्कर ठीक है और कोई दिक्कत है भाई तो बता कोई दिक्कत नहीं है चला फाउंडेशन बैच है समय लेके अस्थिर से पढ़ाते हैं एकदम प्यार से इसीलिए चला बैच खत्म नहीं करते हैं बैच पूरा करते हैं खत्म करना और पूरा करना अलग अलग बात जो बच्चे ए टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनको बेसिक साइंस के लिए कहीं मतलब इसके अलावे और बैच करने की जरूरत नहीं है यही बैच तुम्हारे लिए सब कुछ है बेसिक साइंस के लिए यही बैच तुम्हारा सब कुछ है ठीक है एक दो चैप्टर जो बच जाता है उसको हम अलग से पढ़ा दें ड्राइंग तो फिर वो अलग धंधा है तब में ड्राइंग का चला मटेरियल बन रहा है मटेरियल बनेगा तब उसके लिए बैच आएगा बैच आएगा तो उसमें अभी आपको ड्राइंग के लिए चिंतित नहीं होना है ड्राइंग ड्राइंग में न पूछेगा अब 20 दिन का सिलेबस है, है 20 डेज सिलेबस है 20 क्लास लेंगे खत्म हो जाए लेकिन इस बार मटेरियल थोड़ा अलग तरीके से बनवा रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं कहीं जो परेशानी होती थी वो सब ना हो ठीक है एनी क्वेश्चन हाँ पहले कर रिलेटेड कोई सवाल है हाँ टकराने दो लाओ हाँ लम उसी का पैसे लिए हैं चला कितना नंबर फोर्टी थ्री हाँ ये सवाल अच्छा है चला देखो एक क्वेश्चन है थर्ड एडिशन पेज नंबर तैतालीस दो सौ सत्तर थर्ड एडिशन पेज नंबर दो सौ सत्तर हो गया कहता है क्वेश्चन है एक पिंड एक पिंड यू वेग से उर्ध्वाधर मिला रे थर्ड एडिशन पेज नंबर 270 नहीं मिला क्वेश्चन नंबर 43 एक पिंड यू वेग से उर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा यही ना है तो चला गौर फरमाइएगा एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन क्या होगा तो चला एक बात बताइए परिवर्तन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो चला बताइए ये अगर इस फर्श से टकराता है ऊर्ध्वाधर रूप से ना है तो ऊर्ध्वाधर तो ऐसा होता है इस फर्श से ये कोई पिंड है जो यूवेग से टकराता है बोलो हाँ या ना आ उसी वेग से लौट जाता है बोले में नहीं करेगा तो चला जो वेग होगा वो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बोले तो, तो इधर वाले वेग को अगर चला हम प्लस लेंगे क्या लेंगे तो इधर वाले को तब माइनस लेना होगा आ, हम लोग लेते कैसे हैं इधर है एक पिंड यू वेग से उर्धाधर रूप से फर्श पर टकराता है और उसी वेग आ, उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन क्या होगा तो चला अगर ये यू वेग से इधर टकराता है उसी वेग से इधर उछल भी रहा है तो कर रहा है गति में परिवर्तन क्या हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक प्रारंभिक माइनस अंतिम आपके पास एक सौ तो टका था एक सौ बीस टका हो गया एक सौ बीस टका हो गया इसका मतलब उधर बढ़ा दीजिए रुक भाई अगर आपको चला वेग में परिवर्तन या पैसा में परिवर्तन निकालना एक सौ टका था एक सौ बीस टका हो गया तो पैसे में परिवर्तन हो गया एक सौ बीस माइनस एक सौ बोलने तो चला आ, अगर हम इधर के वेग को माइनस में लेंगे तो इधर के वेग को प्लस में लेना होगा क्योंकि वेग तो सदिश राशि है इधर आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर इधर प्लस और इधर माइनस तो बताओ इसको माइनस लेंगे कि प्लस आ, इसको आ, ये अंतिम की प्रारंभिक टकरा के आया तो ये अंतिम ना आई जा रहा है तो प्रारंभिक तो वेग में परिवर्तन अगर निकालना है वेग में एक लाइन का सवाल है वेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा अंतिम वेग अंतिम वेग हो गया कितना माइनस यू माइनस प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग कितना है प्लस यू दोनों मिला के हो गया माइनस टू यू भक्त तुम्हारे पास एक सौ टका है अस्सी टका हो गया तो जब भी परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होगा परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव होता है यहां खाली ये बता रहा है कि दोनों का वैल्यू ऋणात्मक परिवर्तन यहां यू का ही हुआ है। लेकिन क्योंकि दूरी है तो घटवे करे उल्टा क्यों सोचता है तुम तो? सीधा बात सोचो अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग सदी से इसलिए बोलो जल्दी जल्दी मिनट बोलो पूर्णता प्रत्याश में क्यों उतना ही वेग से लौट रहा है Ice. हाँ उतना ही वेग से लौटेगा तो पूर्णता पूर्णता हो जाएगा प्रत्यास्त का पूर्णतःन है जिस वेग वेग से से जाएगा उसी आएगा बहुत बढ़िया ठीक है कितना बढ़िया देखो बच्चा सोचा कि जिस वेग से जाएगा उसी वेग से आएगा तो पूर्णतः प्रत्याश है चला ये क्वेश्चन में संभव है क्वेश्चन में तो कुछ और संभव है कह देता है कि एक आदमी कुत्ता है रीजनिंग में तुम लोग पढ़ता है ना सभी आदमी गधे हैं तो इसमें से कितने गधे आदमी हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में अगर गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दिया तो भर दिया क्वेश्चन अगर पंखा का स्विच दे दिया तो दे दिया आप उसको अगर स्विच नहीं दिया तो अपने मन से नहीं दे, दे देना ये अगर कह दिया जितना वेग से गया उतने वेग से आ गया तो ये आइडियल केस ऐसा होता नहीं है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो ऐसा होगा बोले और बोलें चला जितना वेग से जा रहा है उतने वेग से लौट रहा है तो अगर ये यू है तो ये भी यूए होगा मतलब कहने का ये अगर पांच होगा तो भी पांचे होगा अगर हम कहते हैं कि ए का मान बी के मान के बराबर है तो दोनों का मान क्या मान लेते माना कि ए और बी का मान एक्स है पढ़ो ना मेरे पास बहुत खजाना है तुम्हारे हर बात का सटीक जवाब है आज से चला धंधा थोड़े कर रहे हैं ये साढ़े तीन सौ वहां बैच हो गए पिछले उन्नीस सौ छप्पन से चल रहा है आप बच्चों के तो सवाल होते ही हैं और हम लोग चला बच्चा इसी उम्मीद में आता है कि मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा नहीं करेंगे चला घोर पाप लग जाएगा हम चला इससे चिढ़ते नहीं है तुम लोग भी जो अन्य बच्चे हैं चिढ़ो नहीं सीखो चिढ़ के ना तुमको कुछ मिलेगा ना हमको कुछ मिलेगा किसी को यहाँ कुछ नहीं मिलने जा रहा है हम लोग यहाँ डिस्कशन करने आए नहीं जान रहे हैं तभी तो आप यहाँ आए जानते रहते तो यहाँ आते इसलिए चला सभी शिक्षकों से जैसे हमसे आप पोलाइटली पूछते हैं वैसे ही आप सभी शिक्षकों से एकदम तो पोलाइट भरे नेचर में पूछे हो सकता है मान लो कभी एक बार झगड़ा उड़ा हो गया हो उनका घर पे सबका मैडम है तो अलग बात है तो डांट दे तो चुपचाप बैठ भी जाना है सर के बात को ईगो पे नहीं लेना है लेकिन फिर उठ खड़ा होना है फिर बेसरम के जैसा पूछ लेना है मास्टर के पास चला क्या चीज का शर्म आप मास्टर साहब दो बातों कह देने चला सुन लेना मास्टर साहब ने है कह दिया हमरा चला बीवी बच्चा है नहीं हमरा बहुत गुस्सा आता नहीं ठीक ना हम बड़ा शांत आदमी है क्यों मेरा एक ही मानना है चला हमको आता है तोरा सीखने की इच्छा है और हम नहीं सिखा रहे हैं तो चला नरक में भी हमको भगा देगा क्योंकि चला हम पापी ना हो जाएंगे अच्छा तू यहाँ क्यों आया है हम नहीं सिखाएंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा हाँ लेकिन चला लॉजिक मेरा ये कर्तव्य है, है कि तुम अगर बहक रहा है तो तोरा संभाले भी ठीक ना ना तो पता चला तू ऑल बल क्वेश्चन करेगा हम मेरा मानना है चला अगर पांच गो में चार बात से पढ़ के आत्मसात करके चले जाते हैं तो तीनों गो बात में नौकरी होता है अब पांच में पांचों पढ़ लीजिए आत्मसात नहीं कर पाए तो फिर तीनों गो बात आपका नहीं होगा सही जगह पर क्यों होना चाहिए लेकिन इलीगल क्यों नहीं होना चाहिए इल्लीगल क्यों का फिर कोई उपाय नहीं है ठीक है आज की कार्रवाई यहीं तक रखेंगे एक और क्वेश्चन इस बच्चे का है जो हम लोग कल ले लेंगे ठीक है थैंक यू